देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मुगेली युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली पड़ाव चौक स्थित कांग्रेस भवन से निकलकर दाऊपारा से गोल बाजार होते हुए पुनः पड़ाव चौक पर समाप्त किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। कांग्रेस के नेता सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिससे आम जनता को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आज मुंगेली युवा कांग्रेस विधानसभा के द्वारा ये बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर साइकिल मार्च निकाला गया। कांग्रेस भवन से शहर के सभी मुख्य चौक पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई हमारी, और जब तक ये सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा इस भ्रष्टाचार मोदी सरकार के खिलाफ। लगातार केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी की जा रही है, इससे आम पब्लिक को अपने जीवन यापन करने में बहुत तकलीफ हो रही है, और सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें शिक्षा को हो रहा है, क्योंकि मध्यम परिवार अपने बच्चों को 200-250 रोजी में अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने बच्चों को रोजी मजदूरी करा रहे हैं। और ये सरकार को आने समय में युवा कांग्रेस राज्य और केंद्र से उखाड़ फेंकेगा, और इसी के लिए वचन रखते आगे अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की रेट फिर बढ़ोतरी करेगी या वापस नहीं लेती तो आगे युवा कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा मुंगेली में।